क्या है, धक्का क्या मार रही हो? हाँ आज मैडम गुस्सा है मुझसे, थोड़ी सी बहुत नाराज ज्यादा, है थोड़ी मुझसे। नहीं। क्यों? अगर तुमको ये पता चल गया है कि मैं गुस्सा हूँ तो तुमको रीजन भी पता है, ठीक है ना? ठीक है ना? तुम इट इज वेरी अनयूजुअल ऑफ शोएब टू डू दिस, टू पुट सो मच ऑफ मस्का टू मी, टू कम एंड सिट ऐसे उधर मेरे घुटने पे से हाथ रख के। मैं उधर ही समझ गई थी कि जनाब, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, ये देखो रेहान भी हंस रहा है, तो ही इज द लेटेस्ट विटनेस हम लोगों के ऐसे कोल्ड वॉर का। दो तीन दिन पहले तो एकदम ही मस्ती वाली वॉर हो रही थी, तो भी मजे ले रहा था, पर आज तो मैं एकदम ऐसे साइलेंट मोड में चली गई थी। अरे पर मैंने, पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि हमको पता नहीं चलता कि हुआ क्या। अरे बताओ तो कम से कम। एक मिनट, अगर ये पता है कि मैं अपसेट हूँ और अगर ये चोर की दाढ़ी में तिनके की तरह तुम बिहेव कर रहे हो ना, ऐसे चितने चुपड़े इतने बन रहे हो, तो तुमको ये भी पता है कि तुमने क्या किया है। तो मैडम ने बोला है कि चाय पिलाओ हमें, चलो तो हम चाय बना। ऐसे नहीं बोला, फिर मैंने बड़े प्यार से बोला। हाँ मतलब प्यार से, क्योंकि ऐसे ऑब्वियसली अब लाड करना है, यू नो, मुझे पिघलाना है। और ये बोलता है, पता शानू भाई, शानू भाई आज चाय बना दो भाभी के लिए, क्योंकि थोड़ा सा हो जाएगा इनको। ये इतना हंस रहा है ना, इतना हंस रहा है ना ये। पर बेटा कोई बात नहीं, तुम भी बड़े हो गए, तुम्हारे भी शादी होगी, तुम्हें पता चलेगा। अभी कहाँ तक पहुंच गया? पानी किसी का? इतने सवाल पूछ के बनानी है तो मैं ही बना लूं। कितने साल हो गए साथ रहके? अभी ये पूछोगे कि कैसे पीनी है? कोई टांगे वाली जब रूठ जाती है तो और भी हसीन। वो गाओ ना जो कल कैमरा के पीछे गा रहे थे और दूर दूर से गाते मुझे बता रहे थे। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। और हमारे कडलू जनाब भी हमें कंपनी देते हुए साथ में। नौटंकी नहीं दो मुझे, मैंने भी ब्लॉक की ओपनिंग ली नहीं है। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। ये देखो, ये बस परेशान करना चालू हो गया है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि अब मैं बहुत कोशिश करूंगा, बहुत नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं फ्रीक्वेंट रहूं, तो आज एक्चुअली रेहान भी यहाँ पे है अभी, क्योंकि कल रेहान की 5 दिन की छुट्टी है, ठीक है, तो अभी पढ़ाई नहीं है, उसकी छुट्टी है। तो हमने सोचा कि मस्ती कर रहे थे, मैंने कहा मस्ती कर रहे हैं थोड़ी बहुत, तो आपको दिखाना बनता है, थोड़ा मूड फ्रेश होगा, अच्छा लगेगा, लाइट फील होगा। तो और ये हमसे नाराज बैठी है, पता नहीं क्यों आज बैठी है। हमने नहीं बोला, आप आपने पहचाने, हमने नहीं बोला। तो इसका मूड ऐसा लग रहा है कि कुछ, तो अभी पूछते हैं चाय बनाने के बाद, पूछते हैं थोड़ा कि क्या हुआ। फिर आज तो हम चाय बना लें, अपना काम पूरा कर ले हम, फिर उसके बाद पूछते हैं। शब्दों से नहीं होती वो, एक चुप्पी से हो जाती। शानू भाई, शानू भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे शिट, ओह गिर गई। ओले, पर मैं किसी की तरह नहीं हूँ, मैं किसी से दूध गिरने पे जश्न नहीं मनाऊंगी। इट्स ओके, होता है होता है। दिल ही खराब है मेरी, चाय का मुझे थोड़ी, जब नियत खराब तो दिन भी खराब है ना। तू क्या हंस रहा है? चल मैं तुझे, ये पीछे से ऐसे खड़ा खड़ा हंस रहा है ना पूरा, क्या ये क्या ये कर रहा है? गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। जब तक हमारी चाय जो है वो बन रही है, तो यहाँ पे ना दोनों भाई बैठे हैं, गॉसिप कर रहे हैं कि क्या हो गया है। कुछ आइडिया है तुम्हें? कुछ बताया भाभी ने? हाँ, अभी तक तो नहीं, सारे गिफ्ट हो चुके हैं अभी तक। समझ नहीं आ रहा कि क्या मेरे दिमाग से चीज निकल गई जिस वजह से नाराज है। यही हो सकता है कि कुछ मैंने शायद प्रॉमिस किया हो या कुछ बोला हो तो भूल गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या देख रही हो? क्या देख रही हो? फेवरेट शो उड़ा दिया। गुड़ का है तुम्हारे चाय के लिए? गुड़ उधर नहीं रखा, उस पर रखा ना, माइक्रोवेव पे डब्बा नहीं रखा वहीं पे। जीना है दिनचर्या, खुश हो के जी ले यार, करना है कुछ अगर तुझे जी भर के कर ले प्यार। वही कर रही हूं जी भर के, अपना फेवरेट शो देख रही हूं। क्या तेरा क्यों मेरा भुला दे मेरे यार। डिस्टर्ब उसको तो बड़ी
बैठो गिर जाएगा। क्या मुस्कुरा रहा है तू? कुछ नहीं, बन गई चाय। बन गई चाय। कैसी बनी है? पीनी है। तुम्हें क्या हुआ? हाँ जी, हाँ जी। कुछ नाराजगी कम हुई या अपसेट कुछ कम हुई? नहीं। पर हुआ क्या है बताओगी? बता दो क्या हो गया, एटलीस्ट बता दो क्या हुआ। क्या चीज़ समझ में आ गया ना? अरे तो पर कम से कम कुछ समझ में आ गया ना? तो पता तो चले कि हुआ क्या। पर मैंने ऐसा कर क्या दिया? मैं सोच रहा हूँ, सोचो, दिमाग पे जोर डालो और भरपाई करो। नहीं यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सच में ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया कि तुम नाराज हो जाओ। हाँ, कुछ प्रॉमिस किया हो अगर भूल गया हूँ तो वो बात अलग है। नहीं, हाँ कुछ हो सकता है, कभी 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 होता है ना कि यार इतनी सारी चीज़ें हैं, ये कुछ बोला हो, कुछ मतलब प्रॉमिस नहीं, कुछ बोला हो कि हाँ ये कर लेंगे या वो कर लेंगे, यहाँ आ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, कुछ ला के दूंगा नहीं, तो वो चाहे चीज़ें नहीं हो पाई हो तो अलग बात है कि शायद तुम मुझे टेस्ट कर रही हो। लाड़ वाड़ तो नहीं चाहिए ना एक्स्ट्रा? कभी कभी अटेंशन पाने के लिए तो नहीं चल रहा है ऐसा? कब से भाई एक ही चीज़ पूछ रहा हूँ, मतलब मुझे सिर्फ एक चीज़, अगर मैं इतना चुप हूँ, अगर मुझे सिर्फ एक चीज़ जाननी है कि वाकई में कुछ हुआ है, अगर मैं इतना चुप हूँ, अगर मैं इतनी देर से अभी को भी किसी को बुला गया, अगर मैं इतनी देर से चुप हूँ, मैं इतनी देर से कुछ बोल नहीं रही हूँ, तो इतना तो तुमको समझ में आया कि कुछ गड़बड़ हुई है। पर मेरे को लगा नहीं आया, एक मिनट, आया कि नहीं आया? गड़बड़ नहीं, बट मेरे को लग रहा है कि हाँ तुम मूड में तुम्हारे मतलब नॉर्मल नहीं हो। हाँ तो मतलब कुछ गड़बड़ हुई है ना, वरना तुम ये एफर्ट लेने वालों में से नहीं हो, है ना? हाँ, तो नहीं, चाय बनाया था मैं कभी कभी। Really? हाँ। Today don't lie. Okay? अब बताओ, कुछ सोचो। मुझे सच में याद नहीं आ रहा। अच्छा, मेरा बर्थडे कब था? मेरा रियल वाला बर्थडे कब था? 6th अगस्त। आज के डेट है? आज मुझे डेट याद नहीं है। 9 सितंबर, एक महीना हो गया। पापा घर कब आए थे? 14th अगस्त। ठीक है। ये ट्रिम करना है या हेयर कट जैसा करना है वैसा एकदम दो दिन में होके आ जाता था, और अब मैं कुछ भी बोलूं तो नहीं तुम्हें नहीं पता ये बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं, नहीं तुमको नहीं पता, जब मैं पिछली बार हेयर कट करवा के आई थी तो आप सबने कॉम्प्लीमेंट दिया था कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, और अब नहीं नहीं ये ऐसे अच्छा लग रहा है, अरे तुमको नहीं पता यार बियर्ड बड़ी अच्छी लग रही है, अरे तुमको नहीं पता यार ये वो, ठीक है फिर। पर मैंने बियर्ड अभी कितनी कम की है, देखो पहले तो हैवी हो गई थी बहुत। हाँ, थोड़ा सा मैंने फ्रेंच डार्क रखा है अभी। मैंने कितना बोला था? तुम्हारा जो बर्थडे सेलिब्रेट किया था यहाँ पे उतना बोला था? मेरे को नहीं याद उस वक्त का। तो ये बात है, तो तुम मुंह फुलाने की जरूरत क्या है? तुम बोल भी सकती थी ना ये? नहीं, मुझे नहीं बोला था, मुझे करना था एक्ट प्राइस ही, क्योंकि इतना टाइम हो गया था, तो ऐसे नहीं मैं सीधे मुंह नहीं बताना चाहती थी, मैं सीधे मुंह बताऊंगी तुम मुझे कोई ज्ञान चिपका के चुप करा दोगे, तो मुझे करना था एक्ट प्राइस ही, और हर बीवी का ये अधिकार है कि वो प्राइस ही एक्ट करे। आप लोग भी किया करो प्लीज, जब आपको ऐसे आपकी बातें यहाँ से सुन के ऐसे हल्के में निकाल दी जाए, या जब आपको लगे ना कि अभी हमारी बात मानी नहीं जा रही, एक चुप, 100 बड़बड़ बड़बड़ करोगे ना कोई ध्यान नहीं देगा, एकदम ऐसे ऐसे हो जाओ। तो सारे हस्बैंड भी एक पॉइंट तक सुनना, उसके बाद याद सुनने याद नहीं कर। अरे यार ये दाढ़ी के लेके तो कहाँ से कहाँ अच्छी लग रही है, ठीक कर लूंगा, देखते हैं कब कर लूंगा, देखते हैं कब। चाय कैसे? चाय पियो, चाय पियो, शांत रहो। तो हमने आज का तुम्हारा कहा जो है वो पूरा कर दिया है, तुम्हारा कहा जो है हमने वो पूरा कर दिया है, और हमने शेव निकाल लिए, ठीक है? इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है, ठीक है, वो इससे कम भी नहीं चाहिए। कभी कभी थोड़ा सा यार वो मन करता है एक फील रखने का, बट कोई नहीं, फिर बाद में कभी रख ले, फिलहाल निकाल दिया है। एक्चुअली आज ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं है, क्योंकि आज सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, थोड़ा से काम थे यहाँ पे, हम तीनों साथ में, मैं सब आदि भी तीनों साथ में गए हुए थे, वो सब खत्म करे हो गया। आजकल मैडम का भी फिजियो चालू हो गया, थोड़ा सा इनके कहाँ पेन है? मेरे बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए बेसिकली, हाँ। क्योंकि मुझे ऑन एंड ऑफ बैक में यहाँ बहुत पेन हुआ करता था, तो इसीलिए वो पूरा
तोड़ती है मेरे बैग को चाहिए कि बहुत मेहनत करती है तो अभी मुझे आइस पैक लगाना है। ओके ये आ गया क्या है? लौकी दाल रोटी खीरा खाएंगे पापा? हाँ, खाएंगे। तो पापा खाना आ गया, पापा एक कबाब, हाँ पापा एक कबाब भी आ रहे हैं, 5 मिनट रुक जाओ तो फिर साथ में दे देंगे। कल का होमवर्क क्या मिला है? कल का होमवर्क वो ब्लैक क्रैश बनाना है, हाँ 5 गाने सुन के लिखना है। अच्छा एक बोतल खोल लेना 10 बार। देखिए विशाल बता रहा है, ऐसे आपको इशारा कर रहा है, बोतल खोल के बंद करनी है ना। पापा का जो फिजियो चलता है ना, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो पापा को एक्सरसाइज वर्कआउट तो कराते हैं साथ में, उसके साथ में पापा को कुछ होमवर्क भी देके जाते हैं जो पापा करते हैं। कभी लेफ्ट हैंड से जो थोड़ा सा इनका वीक है उससे इनको ड्राइंग बनानी है, स्टार बनाने हैं, शर्ट के बटन लगाने हैं, गाने सुनने हैं, गाने याद करके लिखने हैं, सुनने हैं, तो सारी चीज़ें चलती हैं। तो पापा का वही बता रहे हैं, वही पूछ रहा था कि मैं कितना हुआ, कैसा हुआ, हो गया सब बढ़िया? बढ़िया हो गया। तो अभी गाने भी आज कल कल सुनाने हैं, कल याद करके सुनाना है, कल याद करके पापा को गाना भी सुनाना है, है ना। तो अम्मी कोई गाने की फरमाइश आप बता दो, कौन सा याद करें बता देंगे कल आपको गाना सुनाएंगे फिर पापा से। तो अभी लग रहा है इनके आइस पैक, इन्होंने पीछे पीठ में आइस पैक लगा लिया, अभी वो लगाती रहेंगी और फिर उसके बाद रात को सोते वक्त हीटिंग पैड। हाँ। तो ये सारी चीज़ें करनी है। एनीवेज तो ये था एक छोटा सा वीडियो कल एक्चुअली जिसने जो बवाल बनाया ना इसने मेरी चेफ का सच में, तो मैंने आज फाइनली निकाल लिया है। नेक्स्ट बाल को बनाऊंगी। ओए चुप रह, बाल का नाटक नहीं, बाल सही है। नहीं देखो नहीं। इस बार आप जब गए हो आपने सिर्फ अपनी ट्रीटमेंट करवाई, आपने हेयर कट नहीं करवाया, हेयर कट ड्यू हो गया। हाँ तो मैं देख लेंगे कर लेंगे वो। एनीवेज तो गाइज मिलेंगे जल्दी फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी आए वो करिए। मेरे लिए अच्छा हो गया, लेकिन फुला लूंगी तुम काम हो जाएगा। हर बार नहीं, जैसे मैंने बोला कि एक बार कई बार सुनो, लेकिन अगर आदत पड़ जाए तो यहाँ सुन के वहाँ से निकाल लो। सही चीज़ करिए, गलत चीज़ नहीं। पेरेंट्स को प्यार वक्त उनकी हिफाजत उनकी केयर कीजिए और खुश रहिए बस, ठीक है। और हमारी तरफ से पूरी इब्राहिम फैमिली की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिंदास रहिए, एंजॉय कीजिए और सबके लिए दुआ कीजिए। हैप्पी गणेश चतुर्थी सबको, अच्छे से एंजॉय कीजिए, अच्छे से त्यौहार मनाइए, लेकिन सेफ रहिए प्लीज, खुद भी आसपास वालों को सबको भी सुरक्षित रखिए। अल्लाह हाफिज़।